नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सियासी समीकरण बनाने की कवायद शुरू हो गई है। चुनावों से पहले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ समझौता हो सकता है, क्योंकि हम सब बीजेपी को रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम राज्य के लोगों को अच्छी सरकार देना चाहते हैं। यूपी में तानाशाही और निरंकुश सरकार को रोकने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हमारी सबसे बातचीत चल रही है, जैसे चीज़ें सामने आएंगी हम इसकी जानकारी देंगे। चंद्रशेखर आजाद की यूपी में जंगलराज जैसे हालात हैं, असुरक्षा का माहौल है, प्रदेश में रोजगार नहीं है, पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। इसको रोकने के लिए एक बड़े गठबंधन की ज़रूरत है। आज़ाद पार्टी के प्रमुख ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की सभी संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फ़र्क है। अगर यूपी में किसी दलित की हत्या होती है तो कांग्रेस खुलकर बोलती है, लेकिन बाकी राज्यों खासकर कांग्रेस शासित प्रदेशों के मामलों पर कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फ़र्क है, इसलिए उसके साथ गठबंधन नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल चुनावों की मिसाल देते हुए भीम आर्मी चीफ ने कहा कि बंगाल की तरह यूपी में भी जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। राज्य के हालातों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि यहां शवों को कुत्ते नोच रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और पुलिस यहां सिर्फ तमाशा देख रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।